हेलो दोस्तों में जी स्वागत करता हूँ आपके अपनी तो अपने चैनल जीत यू ऊपर तो अपन जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जो 20 तारीख को अपना पेपर होने वाला है उसमें अपन मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी करेंगे पहले इसके बाद मैथ की तैयारी करेंगे फिर इसके बाद लैंग्वेज की तैयारी करेंगे ठीक है ना यही तीन सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं तो इन्हीं को अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं पार्ट वन है जैसे इन क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव देयर इज ए क्वेश्चन फिगर द लेफ्ट साइड एंड फोर आंसर मार्क वन टू थ्री फोर एंड गिविंग द राइट साइड सेलेक्ट द आंसर एंड फिगर देखो मिरर इमेज बतानी अपन को मिरर इमेज देखनी होती है सीधी सीधी बात है कि जैसे जहाँ पर अपन मिरर लगा है उसका उल्टा हो जाता है ठीक है ना <coughs> अपन को इस बात का भी ध्यान देना होता है कि मिरर कहाँ पे लगा हुआ है या देखिए यहाँ पर नीचे लगा हुआ है ऐसा नहीं कि आपने इस साइड मिरर देख लिया अगर इस साइड मिरर होता तो यह आकृति सेम टू सेम होती पर मिरर नीचे लगा हुआ है तो यह आकृति कैसी होगी ये आकृति इस तरह की होगी कैसी होगी इस तरह की होगी ठीक है ना तो इसका आंसर कौन सा होगा दो तो दो नंबर को अपन अपनी उमर सीट में फिल कर देंगे अब देखिए अब यहाँ पर मिरर लगा हुआ एस से लगा हुआ ये जाएगा ठीक है ना तो ए से ए लगा हुआ ए से तीन खाली कौन है तो तीन आ जाएगा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ओके okay? अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर देखिए इस साइड मेरर लगा हुआ है तो इसमें कौन सा आंसर आएगा इसमें आएगा फोर्थ वाला आंसर ठीक है ना क्यों क्योंकि जो मिरर आता है ये इसी के पास रहेगा जो मिरर के पास रहता है पास रहता दूर वाली चीजें दूर चली जाती हैं तो जो डार्क बिंदु यहाँ पे है दूर था तो दूर चला जाएगा ये यहाँ ठीक है ना एक्सचेंज हो जाएगा ए और हो जाएगा, तो जाएगा? जाएगा ठीक है ना तो इसमें कौन सा यहाँ पर नीचे दिया गया है नीचे वाली ये रही तो नीचे वाली ये जाएगी और ये ये तो ऐसी रहेगी थोड़ी ना सीधी होगी तो फर्स्ट आंसर इसमें हो जाएगा ओके अब देखिए इसमें ये दोनों पास हैं इसके इस साइड मिरर लगा हुआ तो ये दोनों पास ही रहेंगे दूर चला जाएगा ए सेम टू सेम रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा ये देखिए फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना और इसकी पी फाइल के लिए आप क्या करना है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फोर यू ठीक है ना वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी मैंने पहले भी कई अपलोड पीडीएफ फाइल करी है और जोन भी पीडीएफ फाइल नहीं मिलती है आप कमेंट करके बता दीजिएगा मैं तुरंत ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगला क्वेश्चन देखते हैं ए पीस ऑफ पेपर दिए गए हैं सीधी सीधी मैं बात समझा देता हूं। आपको क्या करना है। यहां पर एक चौकोर पेपर है और उसको फोल्ड करके फिर काटा गया है तो उसके बाद है आपको कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी ठीक है ना तो देखिए एक चौकोर पेपर लिया एक साइड से यहाँ से फोल्ड कर दिया और एक साइड से यहाँ पे फोल्ड कर दिया तो अपने पास ऐसा पेपर हो गया ठीक है ना यहाँ पर एक कट यहां पर लगाएंगे एक कट यहां पर लगाएंगे दो कट अपन ने लगा दिए तो अपन को किस टाइप की आकृति मिलेगी बीच के बीच लगाए अपन को तो दो ही होल मिलेंगे ठीक है ना कैसे होल मिलेंगे दो होल मिलेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा तीसरा वाला आंसर सही होगा आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक पेपर का टुकड़ा लेकर ठीक है ना अब देखिए एक पेपर को पहले ऐसा मोड़ किया फिर इसको एक और बार मोड़ कर दिया तो अपने पास केव सा बचा ऐसा बचा अब यहाँ से एक कोने को ऐसे कट कर दिया ठीक है ना क्या कर दिया कट कर दिया तो अपने पास कौन तो अपने सा ऑप्शन बनेगा ए वाला ऑप्शन बनेगा एक चौकोर नहीं होगा ऐसे ऐसे कट लगा रहे हैं अपन तो ऐसे होगा अगर अपन कट ऐसे लगा रहे होते तो वो चौकोर तो होता ठीक है ना अपन ने कट ऐसे लगाया है ओके तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन वा सही होगा आगे चलिए यहाँ पर देखिए पहले ऐसा मोड़ा फिर ऐसा मोड़ा तो अपने पास वही आकृति बन गई अब यहाँ पर अपन ने क्या किया यहाँ पर एक कट यहाँ पर लगा दिया एक कट यहाँ पर लगा दिया ठीक है ना तो यहाँ पर खोलेंगे तो एक यहाँ पर आ जाएगा एक यहाँ पर आ जाएगा एक यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना ये पेपर ओल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व कर रहा तो बच्चों का पेन चला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं लेने की ठीक है ना तो अपने पास कौन सा आंसर आएगा ए वाला आपका आंसर सही होगा अब देखिए इसमें इसमें अपन ऐसे कट लगाएंगे तो अपने पास कौन सा आंसर आएगा सेकंड वाला आंसर आएगा ठीक है ना कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड क्योंकि एक ही होल बनेगा अगर अगल बगल से कट बनाते हैं तो थोड़ी ज्यादा होल बन सकते हैं ऐसे जो अपन बीस से काटते हैं तो उसमें केवल एक ही होल बनेगा यहाँ पर गोल तरीके से काटा हुआ है तो एक ही होल बनेगा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा ठीक है ना आगे चलिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम चल रहा है अपना इन क्वेश्चन नंबर इलेवन टू फिफ्टीन क्वेश्चन फिगर गिवन द लेफ्ट साइड एंड फोर आंसर गिवन मार्क वन टू थ्री द राइट साइड सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन फॉर्म द कट आउट पीसेस तो देखिए अपन को ये पीसेस दिए गए हैं इनके द्वारा अपन कौन सी आकृति बना सकते हैं अपन को ये बताना है कौन सी आकृति बना सकते हैं इनको ऐसे जोड़ देंगे तो ये वाला आकृति बन जाएगा एक दो तीन पीस हैं तो तीन हो बन जाएगा ये तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे होंगे ये बराबर के पीस दिए गए इसमें बराबर के दिए गए ठीक है ना आगे चलिए इसके इसको ऐसे फिट कर देंगे तो यहाँ पर तो अपन को सीधी सीधी दिख जाएगी कि सेकेंड वाली होगी ओके अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसा उल्टा करके ऐसा कर देंगे और इसको अल्टा करके ऐसा फिट कर देंगे तो इसमें कौन सी आकृति मिल जाएगी अपन को सेकेंड नंबर वाली आकृति मिल जाएगी ठीक है ना ये पांच पीस को अपन जोड़ेंगे तो एक सितारे फूल तरह की आकृति मिलेगी अपन को कौन सी आकृति मिलेगी जो कि इस ऑप्शन में दी गई सेकेंड ऑप्शन में ठीक है आगे चलिए और इनको जोड़कर अपन कौन सी आकृति बना सकते हैं इनको जोड़कर अपन एक फोर्थ नंबर वाली आकृति बना सकते हैं तो आज के पेपर में केवल पंद्रह ही क्वेश्चन ही करेंगे अपन इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन करेंगे इससे पहले मैंने और वीडियो भी प्रोवाइड कराई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से जाकर आप देख सकते हैं ठीक है ना और क्या करना इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद